बहू हूँ। वैसे तो अब बहुत साल हो गए, मुंह दिखाई का जिक्र नहीं करूंगी, पर बहू हूँ, हमेशा आशीर्वाद लेने ही आऊंगी। पिछले कुछ समय से हम सभी झेल रहे हैं ये कोविड महामारी में। आपने भी टीवी में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम साहब खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं जानती नहीं यहाँ आपका भोजपुर में क्या अनुभव रहा है, लेकिन हमने जो देखा है, पढ़ा है, समझा है, पूरे प्रदेश में लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, लोग अस्पताल में भर्तियों के लिए परेशान थे, यहाँ तक कि अगर घर में किसी का निधन हो गया तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए भी परेशान थे। सबने देखा था किस तरह गंगा में लाशें लापता तैर रही थी, देखा था ना, सुना था। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आपने इन लाशों को किस गिनती में डाला। सरकार बोल रही थी ना कि सारे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रबंध रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लाश जाने गई। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इस शाबाशी के वो हकदार नहीं है। सबने किसी ना किसी को खोया कोविड में, हमने भी अपने चौथ साहब को खोया है। सब पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं परिवार को संभाल रही हूँ, जैन की पार्टी संभाल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उनकी विरासत को आप संभालेंगे। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सरकार ने किसान कानून वापस ले लिए। दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक साल हमारे भाई वहां बॉर्डर पे बैठे थे। पहली बात है, सरकारों का हक है कि वो कानून लाती हैं, लेकिन अगर हम उनके कानून से नाखुश हैं तो ये हमारा हक नहीं कि हम कुछ बोलें। अगर किसान वहां बैठा है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो वो आतंकवादी हो गया क्या, खालिस्तानी हो गया क्या? आपने, पूरे प्रदेश ने इतने भारी मत से पिछले कुछ चुनावों में यहां से सांसद जिताए, विधायक जिताए, इस पूरे सिलसिले में कोई एक विधायक, कोई एक सांसद आपके काम आया? योगी जी ने तो कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय तो छोड़ो, ऊपर से हम पर वाटर कैनन चलवा दिए, हम पर लाठियां बरसवा दी, हम पर मुकदमे रखवा दिए। सच्चाई तो ये है कि अंत में काम अपने ही लोग आते हैं, अंत में काम राष्ट्रीय लोक दल ही आती है, और अंत में काम जैन जी ही आए। आपने देखा था जैन जी ने आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए लाठियां भी खाई, और उन महापंचायतों के जरिए आपके लिए आपकी आवाज उठाई। बस आपसे अब हाथ जोड़ के अनुरोध है, अब उन पर विश्वास करें, उनका सहयोग करें। असल में अब जो माहौल प्रदेश में बन चुका है उससे सब परेशान हैं, सबके मन में दुख है, दर्द है, आक्रोश है। जिस तरह की बातें आजकल सुनने को मिल रही हैं, शायद ही कभी किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इस हवा को सुधारें, मिजाज को सुधारें। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश से अनुरोध करती हूं
कि इस तरह की सोच वाले लोगों को, इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों को, इस तरह की ध्रुवीकरण वाली बातें करने वाले लोगों को अब आप लात मारकर ठुकरा दीजिए। वैसे तो आपने अभी हाथ उठाकर भरोसा दिलवा ही दिया है, फिर भी आई हूं, फर्ज बनता है, एक बार फिर सुदेश जी के लिए मुझे आश्वासन दे दीजिए, इन्हें लखनऊ भेजना है कि नहीं। बहुत परेशान है सुरेश जी, बार बार बुला रहे हैं, दिल खोल के एक बार फिर इनको आप आश्वासन दे दीजिए। एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहती हूं, मैंने लाठियों का जिक्र किया था, एक नजर मैं आपकी हाथरस पे भी डलवाना चाहती हूं। हम सब ने देखा वहां उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, पूरा प्रशासन उसके खिलाफ हो गया, उसके परिवार के खिलाफ हो गया, रातों रात चोरी छिपे उसका अंतिम संस्कार हुआ। बात बदले की नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर अन्याय हो रहा है हमारे बीच, किसी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, किसी बच्चे पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या अगर हमारा कोई आदमी वहां जाकर उसका हाल पूछना चाहता है तो उसने क्या गलत किया? क्या मतलब था मेरे पति पे इतनी लाठियां बरसाने का? गुंडा है वो, मवाली है, क्या गलत किया था जैन चौधरी ने? ठीक है, आप प्रशासन हैं, आप सरकार हैं, आपका मन चाहा तो आपने उन पे लाठियां बरसा दी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन लाठियों का पूरा हिसाब पश्चिम उत्तर प्रदेश आपको देगा। आप लाठियां बरसाते जाइए, लेकिन जयंत चौधरी की आवाज को आप नहीं दबा सकते। जब जब अन्याय होगा, आपने लखीमपुर में भी देखा था, पूरा उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन जयंत चौधरी ने ठान ली थी कि मैं सुबह चला, जब चला मैं वहां पहुंच के रहूंगा, और जयंत चौधरी वहां पहुंच के रहे थे। जिस तरीके से लखीमपुर में जो हादसा हुआ, उसके बावजूद आपने उस गुनेगार के पिता को अपने बगल में बिठा के रखा, आज तक वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मैं कहना चाहती हूं कि ये प्रदेश भूलेगा नहीं, पूरे क्षेत्र की हाय लगेगी ने। हमारे किसानों पे कोई इस तरह गाड़ी चला के उन्हें कुचल जाएगा तो हम इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। भूलेंगे क्या? मैं आपके माध्यम से, इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं, आपने जयन चौधरी के जोश को, उनके साहस को, उनकी कर्मठता को अनुभव किया है, समय समय पर उन्होंने अपनी काबिलियत का और अपनी क्षमता का आपको सबूत दिया है। अब फैसला आपको लेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने जयंत चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल को राजनीतिक ताकत दी तो वह आपकी हर कसौटी पे बहुत कामयाबी से खड़े उतरेंगे। देखिए, अब चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अगर आपका प्यार मिलता रहा,
आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो कभी भी हम अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चारू चौधरी।